Hi you guys, good morning. It is the 11th and मैं रेडी हो चुकी हूँ. अभी बज रहे हैं समवेयर अराउंड 6:15 ish एंड हम लोग इतने ज़्यादा जल्दी इसलिए रेडी हो गए. लाइक आई तो वोक अप एट 5. भाई ने थोड़े से लेट कर दिया बट दिस लुक्स इनसेन एंड आई एम ऑलरेडी मिसिंग दिस व्यू. लाइक लुक एट दिस. आज हम लोग चेकआउट करने वाले हैं. अगर आप लोगों ने लास्ट ब्लॉग नहीं देखा है तो गो चेक दैट आउट. आई लिंक इट इन द आई बटन एंड द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल. तो आज हम लोग इस होटल से चेकआउट करने वाले हैं एंड आई वॉज जस्ट इन लव विद द व्यू फ्रॉम दिस बैल्कनी. बट ठीक है, अभी जाना तो रह गई. तो मैंने लास्ट ब्लॉग में जैसे कि आप लोगों को बताया था कि आज हम लोग बद्रीनाथ जा रहे हैं. Let me sit. तो आज हम लोग बद्रीनाथ जा रहे हैं. दिस वॉज सच एन इम्प्रॉम्प्टू ट्रिप. लाइक हमको परमिशन मिली फॉर द बोथ ऑफ अस टू ट्रैवल एंड वी वर जस्ट लुकिंग फॉर प्लेसेस जहाँ पे जाके हम लोग अपना माइंड रिलैक्स कर पाए, टू टेक अ ब्रेक फ्रॉम द सिटीज हसल बसल. एंड बहुत सारी लोकेशंस पिक करते 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 वी केम अक्रॉस माना. सो बेसिकली माना एक विलेज है बद्रीनाथ के आगे, दैट इज इंडियाज लास्ट विलेज. बट आई थिंक अभी उसको इंडियाज फर्स्ट विलेज भी बोलते हैं. सो लाइक इट हैज़ अ लॉट ऑफ यू नो हिस्ट्री महाभारत टाइम से रिलेटेड एंड माई ब्रदर इज़ लाइक वेरी वेरी इंटरेस्टेड इन महाभारत से रिलेटेड एनीथिंग. सो वी वर लाइक कि चलो यहाँ पे चलते हैं एंड उस हिसाब से ये ट्रिप प्लान हुआ था. एंड ट्रिप प्लान करने के आई थिंक एक दिन के बाद हम लोगों ने जब रिसर्च करा तो वी रियलाइज कि बद्रीनाथ भी माना के पास ही है. लाइक येस इट वॉज दिस इल प्लान. हमें लिटरली कोई आइडिया नहीं था कि हम कहाँ पे जा रहे हैं. वी जस्ट रैंडमली बुक दिस प्लेस एंड अच्छा है, हो सकता है कि यू नो अभी किस्मत में होगा बद्रीनाथ दर्शन करने का. लेट्स सी हो पाते हैं कि नहीं. तो अच्छा लग रहा है, कल भी काफ़ी सारे मंदिर वगैरह घूम के आए, आज बद्रीनाथ के दर्शन हो जाएंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा. सो अभी हम लोग रेडी हो गए हैं. कल जिस टैक्सी वाले के साथ हम लोग ने लुक एट इट, आई एम गोना मिस इट सो मच. तो कल जिस टैक्सी वाले के साथ हमने इधर जोशी मठ घूमा था उसी को आई हैव बुक एंड ही विल टेक अस टू बद्रीनाथ एंड माना बोथ. बट अभी प्रॉब्लम ये हो रहा है दैट वी हैव बीन ट्राइंग टू रीच हिम. उनको हम फ़ोन कर रहे हैं बट उनका फ़ोन स्विच्ड ऑफ आ रहा है एंड आई डोंट नो इफ ही इज़ कमिंग और नॉट. क्योंकि हम लोग तो इधर पूरा पैकिंग वैकिंग करके रेडी हो चुके हैं टू लीव. देखते हैं, अभी चेकआउट कर लेते हैं एंड उसके बाद आई थिंक हम लोग जैसे कल नीचे पैदल पैदल निकले थे टिल द टैक्सी स्टैंड, वही हम लोग आज भी करने का सोच रहे हैं कि जस्ट इन केस वो भैया हमको वहीं दिख गए तो ठीक रहेगा एंड जस्ट इन केस नॉट तो वहाँ पे तो टैक्सी स्टैंड है तो वहाँ पे कोई ना कोई दूसरा ड्राइवर ले ही जाएगा हमको. सो दैट इज़ द प्लान ऑफ एक्शन राइट नाउ. अ लिटिल ओवरव्यू अबाउट दिस होटल. इफ़ यू आर लाइक चेकिंग आउट जोशी मठ में रिजॉर्ट्स वगैरह, सो दिस इज़ अ रियली रियली गुड ऑप्शन इन टर्म्स ऑफ द व्यू and the staff and like they are very well spoken and everything. The view is insane. Like this is the best view hands down. But you have to keep in mind ki the food here is not good. Ek to humko option nahi mile the, you guys know, and jo mile bhi the it didn't taste well. So that is my only concern. तो आप लोग उस हिसाब से देखना. बट अदर देन दैट द रूम एंड द व्यू इफ दिस इज व्हाट यू आर लुकिंग फॉर तो फिर ये अच्छा ऑप्शन है. यू कैन चेक आउट. आई एम गोना चेक कि कहीं पे कुछ छूट तो नहीं गया एंड देन वी आर गोना लीव. फाइनल गुड बाय. अभी हम लोगों ने चेकआउट कर लिया है एंड हम लोग निकल चुके हैं
उसी वाली सड़क पे जिस पे कल जा रहे थे, एंड मैंने शॉल ले लिया क्योंकि हल्की हल्की ठंडी हो रही है। लुक एट द व्यू, लाइक इतना ज्यादा सुंदर लग रहा है सब कुछ, एंड यहाँ की स्किन इतनी अच्छी हो गई है, लाइक आई लिटरली डू नॉट हैव एनीथिंग ऑन माय बेस। मजा ही आ गया। ये इसका मतलब है कि मेरी डाइट और लाइफस्टाइल एकदम परफेक्ट है, सिर्फ मैं गलत जगह पे रह रही हूँ। क्या कहता गौरव? सही बात है। एंड इन फैक्ट जब हम लोग वहां से निकले थे तो लास्ट 1-1.5 मंथ से मेरे पैरों में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। इनफैक्ट हम लोग ने डॉक्टर्स को भी कंसल्ट किया, बट अभी तक हम लोग पता नहीं कर पाए थे कि क्या रीजन है। एंड फिर मैं इधर आ गई थी, एंड द डे आई रीच्ड हियर मेरी मम्मी ने मुझे वीडियो कॉल करके पूछा कि यार मुझे टेंशन हो रही है, तेरे पैरों में तो दर्द हो गई होगी बस में बैठे बैठे। दैट इज द मोमेंट आई रियलाइज कि ओ शिट, मेरे तो पैरों में दर्द था, लाइक लिटरली द पेन इज गॉन, वैनिश्ड इनटू थिन एयर। तो ये जगह ही बहुत अच्छी है, हम जहाँ रह रहे हैं वो जगह की गड़बड़ी है जिसकी वजह से हम आधे बीमार पड़ते रहते हैं। बट एनीवेज, अदर देन दैट द अपडेट इज कि टैक्सी वाले का नंबर अभी भी नहीं लग रहा है, तो हम लोग नीचे की तरफ पैदल पैदल निकल चुके हैं। बट हैव अ लुक वन लास्ट टाइम, इसके बाद हम मिलेंगे बद्रीनाथ। कोहली भैया हाय बोल दो। हेलो। अरे भैया कहाँ रह गए? अरे बद्रीनाथ जाना था। अरे हम पैदल रोड में आ गए। बोल रहा कौन? कौन? हाँ नंबर से भी कराऊंगा। माय डॉगो। अब समझ आई तुझे स्लीपिंग ब्यूटी? हाँ। उसका देख ऊंचा वाला फेस है। हाँ। फिर माथा है फ्लैट। हाँ। और उसके बाद पीछे बाल है। तो कैसा ऊंचा फेस? ऐसे ऐसे। वो देख वो स्लीपिंग लेडी नहीं, स्लीपिंग बंदर है। तो गाइस आज से इस पहाड़ का नाम रीनेम होता है स्लीपिंग ब्यूटी माउंटेन से स्लीपिंग मॉन्की माउंट, ए बंदर स्लीपिंग मॉन्की माउंटेन। भाई सिर्फ और सिर्फ मेरा भाई इकलौता ऐसा इंसान है जिसको स्लीपिंग ब्यूटी नहीं समझ आ रही है। वो किसी मेरी को नहीं आती। चुप। मैंने मम्मी को वीडियो कॉल किया था जिसमें कि हल्का नेटवर्क इशू भी था, और मम्मी को वीडियो कॉल में लेडी दिख गई थी, वो भी तब जब मैंने मम्मी को बताया भी नहीं था कि यहाँ पे वो माउंटेन है। अबे अभी तुम पूरे इवॉल्व नहीं हुआ ना, तो तुम्हें बंदर भी इंसान लगता है। अच्छा तो एक तो मेरे साथ ही चल रहा है। इवॉल्व हो चुका है तू? अच्छा फिर तेरी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का क्या हुआ? अच्छा वो चल रही है। चलो अब क्योंकि टैक्सी वाले ने बोल दिया है कि वो आने वाला है, तो मैं थोड़ी रिलैक्स हो चुकी हूँ, वरना मुझे थोड़ा स्ट्रेस हुआ था। और आज मौसम भी काफी अच्छा है, धूप निकल रही है उस साइड, और अभी सुबह के 6:30 बज रहे हैं, तो थोड़ी थोड़ी ठंड लग रही है हल्की फुल्की, बट अदर देन दैट द मौसम इज गुड एंड द टैक्सी इज हियर। यही है ना पक्का? तो लगेज पीछे रखवा दे, थोड़ा देख के रखवाई। उस बस में तूने कीचड़ में रखवा दिया था, मेरे अंदर कपड़े भी गीले हो गए थे। फोन ही स्विच ऑफ कर दिया था आपने? सुबह 6 बजे से फोन कर रहे हैं हम आपको, 1 घंटा हो गया। मैंने कहा अब नीचे से दूसरी लेनी पड़ेगी। अच्छा कितनी देर लगेगी इधर से पहुंचने में? 9 बजे तक पहुंचा देना हमें। नहीं जाम अगर नहीं मिला तो ना। बता खाना है तो खा ले। चाय भी दे दो, नहीं कॉफी दे दो। तो कॉफी मत पी, चाय पी ले, कॉफी से खाली पेट एसिडिटी हो सकती है। अभी हम लोग इधर विष्णु प्रयाग के पास में रुके हैं क्योंकि यहाँ से संगम दिख रहा है, मैं कल आप लोगों को नहीं दिखा पाई थी, अभी दिखाती हूँ। तो ये है विष्णु प्रयाग, हम लोग नीचे नहीं जा रहे हैं, बट मैं यहीं से आप लोगों को संगम दिखाती हूँ। लुक एट दिस, ये पानी कितना धीरे चल रहा है। ये अलकनंदा नदी है और वो धौली गंगा है, उसका ताप बोलते हैं मेरे ख्याल से, वो देखो कि कितने स्ट्रॉन्ग फ्लो है और ये कितने आराम से शांत तरीके से आ रही है। तो ये अलकनंदा नदी है और वो धौली गंगा है, उसके बाद ये दोनों आगे चल के मिल जाती है। और यहाँ पे NTPC का एक प्रोजेक्ट चल रहा था जिसके वजह से नेचर डिसबैलेंस होके नाराज हो गई थी, तो जो ये धौली गंगा नदी यहाँ से बह रही है इसका ऑलरेडी आप देखो ताप कितना तेज है, तो ये इतना ज्यादा अग्रेसिव हो गई थी कि इसका जो फ्लो था वो इधर ऊपर तक आ गया था। तो अगर आप ये देखोगे ये एक पुल था
जिसपे चलते थे ये पूरा पुल उड़ा दिया। सो बेसिकली वो जो नदी आपको इतने नीचे दिख रही है वो यहाँ तक आ गई थी। सो यस, ये विष्णु प्रयाग है एंड फाइनली मैंने आप लोगों को संगम दिखाई दिया। ये पूरा लैंडस्लाइड का होगा ना, पीछे नहीं देखो तो कितना सारा था। कहाँ है ये राइट? अच्छा हाँ, इससे आइडिया लग सकता है कि किस इंटेंसिटी का यहाँ पे डिस्ट्रक्शन होगा। यहाँ पे वो है ना कुछ जो पांडवों के पापा थे उनका कुछ है इधर। यहाँ पांडवों ने एक मंदिर बनाया था। वो तो ठीक है पर पांडु केश्वर है ना इस जगह का नाम। पांडु कौन थे याद है? हाँ हाँ, पापा पांडु से रिलेटेड माइथोलॉजी है, मुझे याद नहीं। अच्छा ये रहा, यही है पांडवों का मंदिर। अच्छा जो बारिश होती है ना तो नीचे पानी है। ये पानी है जहाँ तक पत्थर है यहाँ तक आ जाता है। देख रोड देख, ऐसा लग रहा नदी है। सुंदर व्हाइट पानी है। ऐसी जगह पे जाम लगा था उस दिन हमारा भी। यह पानी जहाँ से निकलता है ना डैम का। अच्छा तो डैम किधर है? ये डैम नहीं है। अच्छा आगे आएगा तो फ्रंट साइड है ना, ये देखना खुल रखा है उसका एक वो जिससे पानी निकल रहा है। यहाँ पे हनुमान जी जब संजीवनी बूटी ले जाते थे तब उन्होंने विश्राम करा। ये चट्टी यहीं पे विश्राम किया था, समोसा ब्रेक लिया था। हाँ यहाँ समोसा खाया था, जब चाय मिल नहीं पाई। मेरी गाड़ी लगती है तो इसको जान लो ना, पहले देख लो। अरे रुको रुको रुको, क्या हुआ? 5 घंटे है इधर से। भाई साहब बच गई गाड़ी। एक खर्च भी नहीं हुआ नीचे। अब यहाँ से मंदिर कितनी दूर है? मंदिर है सामने, वो देख लो सामने मंदिर। अच्छा चलो। और कितनी सुंदर वैली है ना, काश ऐसा वैली व्यू मिल जाए। तो मंदिर बद्रीनाथ तो सोने में 4 बजे भी घूम सकते हैं वैसे। अबे सुबह के दर्शन सही हो जाएंगे ना। कह रहा हूं, कल मन किया तो फिर आ जाएंगे, क्या होगा उसमें। एक 4 बजे सुबह 4 बजे मम्मी कह रही थी ना आरती वारती होती है 4 बजे की 6 बजे 4 बजे। हाँ तो वही कह रहा है, वो 4 बजे चले जाएंगे। तब हमें पैदल जाना होगा, चलना जहाँ तक जा रही है वहाँ तक चल ले। पीछे उल्टा जाना है। कौन सा वाला तुझे कैसे दिख रहा है? अच्छा भाई ये फोटो में तो कैसा दिख रहा था, वचन में कितना देखा। यही होता है रियलिटी वर्सेस एक्सपेक्टेशंस।
चलो केदारनाथ और बद्रीनाथ के पंडित एक ही रहते थे। अच्छा, यही से था रास्ता। फिर एक बार क्या हुआ कि सुबह के टाइम पे ना भगवान ने कुछ ऐसा छल कर दिया पंडित के साथ। उसके बाद दो पंडित अलग अलग बट गए, दो भागों में। केदारनाथ के अलग हो गए और यहाँ के अलग। वो टाइम पे नहीं पहुँच पाया ना वहाँ पे, एक जगह टाइम पे नहीं पहुँच पाया। उसके बाद पंडित अलग अलग बट गए। नहीं तो यहीं से पैदल रास्ता था, सुबह दोनों जगह उनको एक ही दिन में दोनों जगह वो करना पड़ा। अच्छा नहीं, हाफ फेस दिख रहा है। ये है नीलकंठ, नीलकंठ पर्वत है ना इसका नाम। ये है नीलकंठ पर्वत। एंड अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो भोलेनाथ का फेस दिखता है। सर्कल बना के देखा, यहाँ पे देखो। हाँ भारत का, हाँ एकदम क्लियर दिख रहा है। हाफ फेस दिख रहा, आंखें दिख रही हैं और जटाएं दिख रही हैं। मेरे को तो मूवी दिख रहा है लिप्स। हाँ पहले तो जो कुछ नहीं दिख रहा था, अब तेरे को एक्स्ट्रा, अब एक्स्ट्रा दिखने लग गया। मुझे सही में ये उतरते दिख गया था, मेरे को लगा कि पूरा पर्वत ही वहां दिख रहा। पर यार सही में कितना सुंदर है। मम्मी को वीडियो कॉल करके दिखा। एंड दिस इज आवर होटल, यहाँ पे हम शाम को आके चेक इन करेंगे। इधर से आगे आई थिंक व्हीकल्स नहीं जाते, मतलब बाइक वगैरह जाते हुए दिख रही हैं, गाड़ियां जाती नहीं है शायद। तो यहाँ से अब हम लोग पैदल जा रहे हैं। ज्यादा दूर है नहीं, आई थिंक कितना होगा, मुश्किल से 500 मीटर, 500 मीटर के लगभग होगा। तो हम लोग जा रहे हैं। इट इज एक्सट्रीमली प्रिटी। मैं पिछली जगह से आने से टाइम सोच रही थी कि मुझे नहीं जाना, क्योंकि वो बहुत सुंदर जगह थी। पर ये वाली जगह उससे भी ज्यादा सुंदर है। लाइक लिटरली ऑल अराउंड वी हैव माउंटेन्स एंड इतने नजदीक पे हैं। The valley looks extremely pretty and I saw a dog so cute and fluffy. Look at this, that is our hotel and there is the mandir and look ki kitna sundar hai ye Neelkanth parvat ke beech mein bhai view aur to kitna sundar lag raha hai view mein bhai baat ho rahi hai hum kya view ka hisab hai sundar acha ji कंडीशनल सुंदरता है मेरे भाई की, व्यू के हिसाब से सुंदर लगता है। अब पूछ कहाँ जाना, लेफ्ट राइट, हाउ यू नो। अच्छा हाँ, कब मम्मी को फोन कर दे यार, वीडियो कॉल, खुश हो जाएंगी। नीलकंठ पर्वत दिखा, बद्रीनाथ धाम दिखा। यहाँ से टोकन लेना रहता है यात्रियों का, बद्री भुगतान की पवित्र भूमि। तो मेरा पर्स निकाल दे पीछे से। यात्रियों मैं आपको शिक्षा दिखाता हूँ। देखा मुझे, दे एक मिनट फोन। सत्यापन करवाकर बद्रीनाथ धाम में आपका स्वागत है। सत्यापन करवाकर लोकल चाहिए, लोकल टोकन यहाँ से प्राप्त करें। उत्तराखंड जोशीमठ कितने गए पैसे यात्रियों से अनुरोध है। अगर आप लोग इधर दर्शन के लिए आ रहे हो तो आप लोगों को तो आप लोगों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा के आना पड़ेगा। एंड वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म का जो पीडीएफ है वो आपके फोन में होना चाहिए। उस पे एक QR होगा, उसको स्कैन करने के बाद ये लोग आपको टोकन देंगे। अगर आप लोग बाहर के हो एंड अगर आप इधर के हो लाइक जोशीमठ वगैरह के, तो आपको डायरेक्ट टोकन मिल जाएगा। सो We just tried, हम गए, हमारे पास रजिस्ट्रेशन फॉर्म था नहीं क्योंकि हम करके नहीं आए थे रजिस्ट्रेशन। तो हम लोग ने उनको बोला हम लोकल हैं जोशीमठ के, एंड ही गेव अस द टोकन। तो जस्ट इन केस आप रजिस्ट्रेशन करके नहीं आए हो तो यू कैन ट्राई दिस ट्रिक आउट। वैसे ज्यादा देर लगेगी नहीं रजिस्ट्रेशन फॉर्म वगैरह भरने में। यही से ले लेना है, दे दीजिए। कितने का तू? ये क्या क्या है? ये 250 का है, ये 200 का है। इसमें क्या क्या है? इसमें सारा कुछ है, पूरा लक्ष्मी जी का, लक्ष्मी जी का भी है चढ़ाने के लिए। इसमें सब दोनों का है। हाँ तो ये दे दीजिए। कितने का है? 250। दिखाना एक सेकंड, हाँ वो देख ले उसमें क्या क्या है। और ये चने की दाल भी होगी ना इसमें? चुन्नी है, चुन्नी है, लक्ष्मी के सुहाग है, सुहाग है, चने है ना चने, ये पीला कपड़ा है, पीला कपड़ा है, और ये प्रसाद है, ये प्रसाद है। इसमें चने भी है ना? ठीक है फिर ये दे दीजिए। आपके पास पंचमुखी रुद्राक्ष भी होगा क्या? कहाँ मिलेगा? नीचे मिलेगा, नीचे मिल जाएगा।
रही हूँ, मेरे मम्मी को तो विजिट से ज्यादा व्लॉग की चिंता है। हाँ इसको बहाव देखो कितना फोर्सफुली आ रहा है, यहाँ पे भी नीचे पैरों पे पानी है, इतना ठंडा ठंडा लग रहा है, लाइक लिटरली आइस कोल्ड, बट एवरीथिंग लुक सो प्रिटी। मम्मी पापा को आए बिना बद्रीनाथ दर्शन कराए जा रहे हैं। डोली क्या चीज है? इंद्रावती देवी है, भगवती, मतलब भगवती देवी जी की टोली, भगवती इंद्रावती देवी की टोली। नहीं गौरव यार अलग अलग खो जाएंगे। लुक एट द क्राउड, अभी हम लोग मंदिर की सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ रहे हैं। ये पीछे जो है यही बद्रीनाथ मंदिर है, काफी ज्यादा भीड़ है एंड मम्मी पापा नहीं आया तो यहाँ वीडियो कॉल पे पूरे मंदिर के उनको दर्शन कराए जा रहे हैं। भाई करा रहा, मैं आप लोगों को करा रही हूँ ताकि आप लोगों को भी मोटिवेशन बने इधर आने का। इट इज एक्चुअली वर्थ विजिटिंग। अभी हम लोग चढ़ रहे हैं एंड इसका आर्किटेक्चर बिल्कुल वैसा है जैसे मेरे गांव का है, वहां के जैसे घर होते वैसे ही इधर भी। तू बजा देगी? तू बजा देगा? तो तू बजा, मैं तो बजा दूंगा। मेरे हिस्से की भी तू बजा दियो भाई, तू अपने हिस्से आई हो, नहीं तो तू पापी है। पापी नहीं हूं मैं, शॉर्ट हाइटेड हूं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। छह फुट के होने का, चल छलांग मार, चल दो जंप। ऐसी ऑर्डिनल की पहचान भी होती, दो सिक्के में रखो तो वो घूमता है। पंचमुखी पांच मुंह देख लेना उसको, पांच नहीं है, ये चार पांच है, ये पे नेचुरल है पांच। तो अब हम जा रहे हैं तप्त कुंड। इसकी ये खासियत है कि इसमें गर्म पानी होता है और जो इस गर्म पानी में नहा लेता है उसको माना जाता है कि वो पापी नहीं है, और जो इस पानी में नहा नहीं पाता उसको पापी माना जाता है। तो ये जो भाप आ रही है ये है तप्त कुंड। देखते हैं इसका पानी कितना गर्म है, इसका पानी काफी गर्म है पर मैं इससे नहा सकता हूँ तो मैं पापी नहीं हूँ। चलिए चलते वापस। ये है गंगा नदी जो ठीक बद्रीनाथ के नीचे बह रही है। अभी मेरा भाई गया है पानी की बोतल में गंगा जल भरने के लिए। क्या हुआ? चल आ जा, हजार रुपए दूंगी, जा जान। क्या बहुत ठंडा है, बहुत ठंडा है। अबे आरती जी इधर से नहीं पढ़ना, ये क्लियर तो नहीं लग रहा। क्लियर लगेगा, मेरी मिट्टी आ रही है और मेरा हाथ जम गया भाई। इसे नेचुरली ठंडा गर्म कैसे हो रहा है? बैठ के खाना है। हाँ चल, भाई की सेहत काफी कमजोर हो गई है। भाई पीना है केसर वाला दूध, केसर ज्यादा डाल। हाँ वो कमजोर हो गया ना आजकल, सेहत बनानी है उसे। आजकल आजकल कमजोर हो गया वो। 250 ग्राम वजन कल बात।